हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की वीडियो ना थोड़ी सी अलग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं ना अपने नीट एग्ज़ाम से लेकर और मेरा कॉलेज मिलने तक के बीच में जो भी इंसिडेंट्स हुए थे वो सारे कुछ शेयर करने वाली हूँ। और आज जो इंसिडेंट्स बताऊँगी ना, वो मैंने आज से पहले कभी किसी वीडियो में नहीं बोले हैं, तो तुम अगर सुनोगे तो तुम्हें भी मज़ा आएगा। और इतनी गारंटी है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो कि तुम मोटिवेटेड होगे और खुश भी होगे, तो दोनों चीज़ें होने वाली हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दिस इज समीक्षा दक्ष, MBBS थर्ड ईयर स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदायूं। तो बात शुरू होती है कि मेरे एग्ज़ाम से। तो मेरा नीट 2020 का एग्ज़ाम दिया था मैंने, जो कि 13 सितंबर 2020 को हुआ था। तो यहाँ पे भी ना डेट्स का भी मेरे साथ थोड़ा सा अलग ही लॉजिक है। जैसे 13 सितंबर 2020 को मेरा एग्ज़ाम हुआ, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, 13 अक्टूबर को मेरा बर्थडे होता है, देन उसके बाद 13 नवंबर 2020 को मुझे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ था। तो ये तीन डेट लगातार मेरे लिए ना मतलब थोड़ी सी यूनिक है, मज़ेदार सी हैं। तो मेरा एग्ज़ाम हो गया था 13 सितंबर को, उसके बाद हमारा रिज़ल्ट वगैरह आने का प्रोसेस था, जो कि 16 अक्टूबर 2020 को आया था। अब रिज़ल्ट आने के बाद मेरे 608 मार्क्स आए थे, जिसमें मेरी रैंक जो थी वो 16,000 रैंक थी। तो मतलब मैं थोड़ी सी नर्वस थी, पता नहीं इस बार मेरा होगा कि नहीं होगा, कॉलेज कौन सा मिलेगा। इतना मुझे पता था कि कोई बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, पर देखते हैं कि कौन सा मिलेगा। फिर उसके बाद मैं काउंसलिंग का वेट कर रही थी। लगभग एक दो हफ्ते बाद मेरी काउंसलिंग शुरू हो गई। जब काउंसलिंग शुरू हो गई, फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग हो गई, और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट ये था कि जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट आने के बाद ना बेस्ट मोमेंट ये था कि उसमें अलॉटमेंट लेटर आया, और अलॉटमेंट लेटर में लिखा था कि नेम समीक्षा दक्ष, कोर्स अलॉटेड MBBS। मैंने कॉलेज का नाम नहीं पढ़ा, बस मेरी नज़रें, मेरा दिल यहीं अटक गया कि हाँ, अब मेरे नाम के साथ MBBS जुड़ गया। माई गॉड यार, इसकी जो फीलिंग थी ना वो बेस्ट 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 एवर थी। मतलब अभी तक भी मैं उस चीज़ को याद करती तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा वो सरकारी कागज़ आ जाए जिस पे तुम्हारा नाम हो, तुम्हारे साथ MBBS जुड़ा हो, बेस्ट फीलिंग होती है यार। तो वही चीज़ थी, बहुत अच्छा दिन था, बहुत अच्छी शाम थी वो। तो वो 12 नवंबर का दिन था। अगले दिन से ही ना कॉलेज में जॉइनिंग लेनी थी, एडमिशन कराने जाना था। तो 13, 14, 15 तीन दिन मिले थे, तीन दिन तक होते हैं एडमिशन, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैं इतनी एक्साइटेड, मैंने पापा जी से बोला, मैंने कहा पापा जी हमें कल ही जाना है, पहले ही दिन हम जाके एडमिशन कराएंगे, हम लास्ट डे के लिए नहीं बैठेंगे बिल्कुल भी। तो पापा जी ने रात में ही फिर जल्दी जल्दी बुकिंग्स की, मतलब कार बुक करवाई, क्योंकि मुझे पहले राउंड में ना बहराइच मेडिकल कॉलेज मिला था, और मेरे घर से वो लगभग 6-7 घंटे की डिस्टेंस पे था। मतलब हम कार से गए थे तो 7 घंटे लग गए थे। तो हम शाम के टाइम 8 बजे निकले, और फिर सुबह 3 बजे ही पहुँच गई। सुबह 3 बजे ही पहुंच गई मैं तो यार, और पूरा रास्ता जो था ना, पूरे रास्ते भर मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। मतलब उस दिन कार में, मतलब मैं, मेरे पापा, मेरा भाई और जो ड्राइवर थे, वो चार लोग गए थे, है ना। और नवंबर का टाइम तो था ही, हल्की हल्की सर्दियाँ होती हैं, तो इतने लंबे रास्ते पे जा रहे हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, तो गाड़ी के शीशे बंद कर ही लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि इन तीनों लोगों को ना जुकाम भी हो रहा था, और फिर भी पता है मैं इतनी एक्साइटेड, मुझ पर ना किसी वायरस का इफेक्ट पड़ रहा है ना। मतलब मैं जब बाद में एडमिशन वगैरह हो गया था, तो मुझे कुछ जुकाम नहीं, कुछ भी नहीं, ना नींद, ना जुकाम, ना बीमारी, कुछ नहीं हो रहा है मुझे। मतलब किसी चीज़ का असर ही नहीं था मुझ पर। पापा ही कहते बाद में, तेरे को जुकाम वुकाम नहीं हुआ, गला ख़राब नहीं हुआ तेरा? मैंने कहा कुछ ख़राब नहीं हुआ, इतनी एक्साइटेड, इतनी एनर्जी थी मेरे अंदर। सब लोग सो जाते थे, पर मैं पूरे रास्ते भर बस पीछे वाली विंडो से बस पूरा रास्ता देखती रही यार, कब पहुँचूँगी, कब पहुँचूँगी। और फिर उसके बाद सुबह फाइनली हम 3 बजे पहुँच गए। तो 3 बजे कॉलेज पहुँच गए, ड्राइवर अलग सो रहा है, पापा मेरे कह रहे हैं सो जा तो थोड़ी देर कहीं जगह बना के अपने लिए। मैंने कहा मुझे नहीं सोना, जल्दी जल्दी एडमिशन करवाना है जल्दी जल्दी। तो सुबह 3 बजे से लेके जागती रही, कॉलेज कैंपस घूमती रही मैं, और फिर उसके बाद सुबह 9 बजे से लगभग एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई, है ना। तो तभी कॉलेज का स्टाफ वगैरह आया, तब प्रोसेस शुरू हुई थी। तब तक ऐसी घूमती रही मस्त, बिल्कुल इतनी एनर्जेटिक, बिना सोने के बावजूद भी एनर्जेटिक थी मैं इतनी। तो फिर एडमिशन प्रोसेसेस हुई, सारा जो भी एडमिशन का था वो सारा हो गया। उस दिन 13 नवंबर 2020 का डे था वो, और उस दिन ना दिवाली वाली दिन था। मतलब एक होती है ना, दो दिवाली होती है ना, एक दिन पहले वाली दिवाली जिसमें एक दीपक जलाते हैं, बड़ी दिवाली बोलते हैं कि छोटी बोलते हैं, मैं खुद कन्फ्यूज़ रहती हूँ उसमें आज भी, लेकिन जो भी है जिसमें एक दीपक जलाते हैं घर पर, और पटाखे वगैरह तो चलते ही रहते हैं।
तो वही वाला दिन था वो। तो उस दिन जब शाम का टाइम हो गया, और शाम के टाइम फिर मैं जब पूरा एडमिशन करवा के सुबह 9 बजे से लेके शाम हो गई थी, मेरे को रात के 6-7 बज गया था, फिर शाम मतलब अंधेरा हो गया था। और फिर जब मैं बाहर निकली, पटाखे बज रहे हैं, है ना, बड़ा बढ़िया सा आसमान में रोशनी और आवाज़ें पटाखों की आ रही हैं, मैं बड़ी खुश। मैंने कहा पापा ये देखो मेरा मतलब कॉलेज में एडमिशन होने की खुशी में ना मतलब पटाखे चल रहे हैं। पापा ये भी बड़े खुश थे कि हाँ देख ले तेरे लिए बज रहे हैं सारे पटाखे। तो बड़ा अच्छा सा फिर हम लोग निकल लिए वहाँ से, और रास्ते भर में बहुत सारे लोगों के फ़ोन आए, मतलब उन लोगों के भी कॉन्ग्रेचुलेशन्स फ़ोन आ रहे थे जिन्होंने कभी मेरे को फ़ोन नहीं किया, मुझे क्या मम्मी पापा को भी कभी नहीं फ़ोन किया था, उनके भी मेरे पास फ़ोन आ रहे थे कि बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हें मतलब बहुत सारी विशेज़ वगैरह ये सब आ रही थी। तो सबकी विशेज़ वगैरह लेने के बाद फिर फाइनली मैंने अपना फ़ोन खोला, और उसके बाद जब मैंने अपना फ़ोन खोला तो मैंने सोचा कि यार अब कॉलेज मिल गया है तो चलो इसकी फ़ोटो वगैरह लगाते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारी फ़ोटो भी खींची थी, तो मैंने उस दिन एक स्टोरी अपलोड की थी जो कि आज भी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे हाइलाइट्स में पड़ी हुई है, ब्लेसिंग्स करके। और वो मैंने कॉलेज के गेट पे ही फ़ोटो खींची थी, और उस पर जो गाना लगाया था, मतलब स्टोरी लगाने के बाद हम गाना सर्च करते हैं ना तो सबसे पहले ही आ गया था वाला सॉन्ग, है ना, मैरी कॉम मूवी का सुकून मिला। उस सॉन्ग सच में बहुत अच्छा था कि मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला। और सच में यार मतलब वो गाना आज भी मैं सुनती हूँ ना तो मुझे वही याद आता है, मतलब मेरे लिए तो वो गाना मेरे कॉलेज से ही रिलेट हो गया है, तो क्योंकि बहुत इंतज़ार करने के बाद मिला था और मिल गया तो फाइनली सच में बहुत सुकून मिल रहा था मुझे उस दिन। तो ये सब करके तो फाइनली वो दिन एंड हो गया। फिर उसके बाद घर पहुँची मैं, सब लोग बढ़िया बहुत खुश थे। तो फिर उसके बाद ये एडमिशन हो गया। अब मैं तो ये सोच रही थी कि यार कब कॉलेज जाने की बात आएगी, कब जाऊंगी, कैसे क्या होगा, है ना। अब जब कॉलेज जब हम पहुंचे थे ना तो एक्चुअली मेरे घर से बहुत दूर था, तो मेरे पापा कह रहे थे कि अब मैं 3 बजे ही तो पहुंच गई थी, तो 3 बजे ही पहुँच के गेट पे खड़े होकर बिल्डिंग निहार रही हूँ मैं, बड़ी अच्छी लग रही है मुझे तो कॉलेज की बिल्डिंग, सब अच्छा लग रहा है। पापा ही कह रहे कि देख अपने घर से ना बहुत दूर है, बहुत ज़्यादा दूर पड़ेगा, सही नहीं है ये कॉलेज। मैंने कहा पापा प्लीज़ आप अभी बुराई मत करो, मुझे ना अभी कॉलेज की कोई बुराई नहीं सुननी है, मुझे एक भी वर्ड बुरा नहीं सुनना है, सब कुछ बहुत अच्छा है, चाहे ये कहीं अंडमान निकोबार में भी होता ना तब भी मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली आपको नहीं सुनना होता यार, कुछ बुरा नहीं सुनना होता क्योंकि बहुत मेहनत से कमाया है वो, तो बहुत अच्छा था उस दिन। फिर उसके बाद ये सब हो गया, एडमिशन हो गया, घर आ गई, अब तो कोई काम ही नहीं था ना पढ़ना, अब तो पढ़ते थे कुछ नहीं पढ़ते थे, फिर ऐसे ही चलता रहता था, बस मैं इंतज़ार करती रहती थी कि कब फाइनली कॉलेज में क्लासेस अटेंड करने का टाइम आएगा। तो उतने ड्यूरेशन में फिर मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन की, थोड़ा सा डांस सीखा मैंने, मतलब मुझे डांस आता वाता कुछ नहीं था, मतलब थोड़ा मैंने सोचा कि डांस ही सीख लूँ, तो फिर मैंने डांस क्लासेस वगैरह ज्वाइन की, तो इस तरीके से वो टाइम गुजर गया। और उसके बाद फिर मैं फाइनली कॉलेज में मतलब सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हुई, उसमें मैंने अपग्रेड करा लिया था, तो GMC बदायूं में आ गई। तो अल्टीमेटली मैं ना इससे यही बात तुमसे कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तुम्हारी नीट की प्रिपरेशन का टाइम है ना, तो अभी कई बार ऐसा होता होगा कि तुम बैठ रहे हो पढ़ रहे हो और तुम्हारी हालत ख़राब हो रही है, चेहरे की, बालों की, बॉडी की, कपड़ों की, सब की हालत ख़राब हो रही है, कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा है, मन भी ख़राब सा हो रहा है, और दूसरे लोग मज़े कर रहे हैं, तो उन्हें देख के ऐसा लगता होगा कि यार हमारी लाइफ कैसी है ना। वो कहते हैं ना कि यू हैव टू लीव स्मॉल पीसेज ऑफ गोल्ड टू अचीव लार्ज डायमंड। उसी तरीके से कि अगर आज तुम वो छोटी छोटी जो छोटी छोटी चीज़ों में ये जो खुशियाँ ढूंढते हो ना कि ये कर लें वो कर लें, पढ़ाई से बच के ये वाली चीज़ में हमें खुशी मिल रही है, पढ़ाई में खुशी नहीं मिल रही इस चीज़ में खुशी मिल रही है, ये चीज़ कर लेते हैं, तो अगर तुम इन छोटी छोटी खुशियों के पीछे अपना टाइम वेस्ट और अपना मन उधर लगा दे रहे हो ना, तो मैं बता रही हूँ तुम्हें वो बड़ी वाली खुशी नहीं मिलने वाली है जिसमें तुम्हारा दिल दिमाग पूरी बॉडी खुश होती है, तुम झूमते हो गाते हो और वो बेस्ट एवर फीलिंग होती है, ये दिल झूम झूम होता है, वो तभी होता है जब आपको आपकी मेहनत सफल हो जाती है ना। तो अभी छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ मत ढूंढो, अभी बस अपनी पढ़ाई में दिमाग लगाओ और बस देखना फिर डेफिनेटली तुम्हें बड़ी वाली चीज़ मिलेगी, बड़ी वाली खुशी मिलेगी, और बस उसी चीज़ को इमेजिन कर लिया करो, उसी चीज़ को इमेजिन कर लिया करो कि हाँ ये वाला दिन मेरा आएगा, इस दिन मैं ऐसे जीऊँगा, मैं ऐसे करूँगा, और उस चीज़ को इमेजिन करके आज अपना इनपुट इस पढ़ाई में लगा दो। ओके, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सवेरा होने से पहले हमेशा एक घनी अंधेरी रात होती है, वो घनी अंधेरी रात का वक्त है,
एक दिन तुम्हारा सवेरा जरूर होगा।